सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी अगर आपने एक बार ट्राई कर ली, आपको इसकी आदत लग जाएगी। जब भी आपको छोटी छोटी भूख लग जाए या फिर आप इसे अपनी थाली में सर्व कीजिए, खाने का अलग ही मजा आएगा। तो सबसे पहले सब्जियों को हमें बारीक काट लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, तो प्याज को हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। तो प्याज को एक बॉल में निकाल लेंगे। इसी प्रकार आधी मैंने शिमला मिर्च ली है, तो इसे भी हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। तो प्याज और शिमला मिर्च के बाद यहाँ पे मैंने आधा खीरा काट लिया है, और इसी के साथ मैंने एक टमाटर लिया है। तो टमाटर का जो बीज का हिस्सा है, इसका जो बीज वाला हिस्सा है, वो मैंने निकाल दिया है, तो इसे भी हम बॉल में निकाल लेंगे। दो हरी मिर्च है, इसे भी हम बारीक काट लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हो। तो हरी मिर्च को भी हम उसी बॉल में निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक छोटा पैन लिया है, इसमें 2 टीस्पून हम तेल लेंगे। अभी तेल गर्म हो गया है, इसमें हम आधा कप मूंगफली मिलाएंगे। तो मूंगफली को इस प्रकार हम मीडियम आंच में फ्राई करेंगे, इससे इस पर बहुत बढ़िया कलर भी आ जाएगा और ये एकदम करारी हो जाएगी। मुझे घर पे बिल्कुल आसानी से बने ऐसी रेसिपीज बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी ऐसी रेसिपी देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन है वो दबा दें। बेल आइकन दबाने से मेरे जो नए वीडियो आ रहे हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आप देखिए मूँगफली पर हल्का सा कलर आने की शुरुआत हो गई है, बस और 1 मिनट के लिए हम चला लेंगे। इसे ज़्यादा भी नहीं पकाना है। ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अभी मूंगफली को जो हमने सब्जियां काट के रखी थी उसके साथ मिला देंगे। इसमें हम सारे मसाले करेंगे। 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक मिलाएंगे, इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया मिलाना है, और साथ ही में आधे नींबू का रस मिलाएंगे। अभी सब कुछ हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे आप अपनी जो रोज की थाली है इसमें भी सर्व करेंगे तो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, या आप इसे ऐसे ही बना के खा सकते हो। ये देखिए बहुत ही लाजवाब और बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाली मूंगफली की चाट तैयार है। अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।